नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित दुर्गाचार्य शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। आज हम एक किसी पेशेंट के केस के ऊपर स्टडी करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि कोई एक रोगी जो मेरे पास आई थी, जो लेडीज थी, उनका एज 29 था, ऑन मैरिड थी और वो टीचर थी। काम में उनका कार्य शिक्षक मतलब पढ़ाना था और उनका मुख्य जो समस्या था, लक्षण जो था, उनके मुख और उनकी स्किन फेस जो था वो वैवर्ण से युक्त था, दिखने में बहुत अच्छा नहीं था। हाथ और मुख में बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं मूछ, दाढ़ी और मूछ उनका स्पष्ट दिखता था। पुरुष के समान उसके शरीर की आकृति थी, अति रोम युक्त शरीर था। उनका जो है बहुत जल्दी उत्तेजित होना और क्रोधित होना, ये एक विशेष उनमें गुण था। पूछा गया तो पता चला कि उनका भूख और प्यास बहुत अनियंत्रित था। इन हर एक लफ्ज को आप धीरे धीरे नोट करते चलिए, तभी आपको आने वाले जो बाद के हर एक शब्दों को आपको समझ में आया कि किस किस समस्या के ऊपर मैंने कैसे एनालाइज किया, उसके ऊपर कैसे मैंने इन मेडिसिन को मैंने यहाँ पर डाला है, वो मेडिसिन कहाँ किस तरह से क्यों काम करता है, वो आपको ध्यान से समझ में आएगा। इस लेडीज को मधुर रस खाने का अधिक इच्छा होता था। इनको अंगमर्द, इनका जो शरीर है उसमें अंगमर्द होता था, शैथिल्यता बहुत था। इनमें आलस्य और गात्र गुरुता यानी उसके शरीर में भारीपन बहुत ज़्यादा होता था। हृदय स्पंदनम, उनका जो हृदय है वो हमेशा स्पंदन करता रहता था। और स्वेद की अति प्रवृत्ति, पसीना शरीर में बहुत आता था, ये इनका मुख्य लक्षण था और इसी समस्या से ग्रसित होकर के ये मेरे पास आई थी। अब यहाँ से आप जरा ध्यान से सुनिए, इनके थोड़ा सा पीछे में गया हिस्ट्री को समझने के लिए, ये करना बहुत जरूरी है। रोगी आया और आते ही आपने पूछा कि भाई ये समस्या, अच्छा तो आप तुरंत फिर दवाई लिख करके मत देना, फिर उससे कोई फायदा नहीं होगा। अभी मैं जिस तरह से केस स्टडी करूंगा, जिस तरह से आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इस रोगी के बारे में मैं हर एक चीज में बताते जाऊंगा, उसको आपने ना कागज में हर एक लफ्ज को नोट करते हुए जाना है और उसी तरह से हर रोगी के ऊपर आपने इसको अप्लाई करना है। बहुत मजा आएगा, आप मतलब अच्छा नाम आप कमाएंगे इससे। इसका हिस्ट्री ये था कि जो ये रोगी है, जो लेडीज थी, उसको आरंभ से ही उसके आर्तव में विलंब होता था। मतलब कि जब ये कम से कम 13-14 साल की थी उस समय इनको पीरियड नहीं आया और काफ़ी लंबे समय लगा लो कि 14-15 साल की उम्र में इनको पीरियड आया। देखो 15 साल की उम्र में इनको फर्स्ट टाइम पीरियड आया, वो भी नेचुरल नहीं बल्कि एलोपैथिक डॉक्टर के पास गई, उनको दिखाया, डॉक्टर ने मेडिसिन दिया, 28 दिन तक दवाई खाया, उसके बाद कहीं जाकर के इनको आर्त प्रवृत्ति हुई। तो आर्त प्रवृत्ति जो है इनका नेचुरल नहीं हो रहा था, मेडिसिन खा करके ही हुआ। और ज़्यादा पीछे हम गए क्योंकि आर्त प्रवृत्ति का मतलब है कि कहीं ना कहीं इनको जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है। फिर हमने पूछा कि क्या आपके जो है आपके मम्मी को भी पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, आर्त प्रवृत्ति होने में दिक्कत था? तो उन्होंने कहा कि हाँ, वाकई में मेरे जो मम्मी थी उनको भी आर्तव दोष रहता था, वाइट डिस्चार्ज कभी होता था और कभी पीरियड बिल्कुल नहीं आनी जैसी स्थिति होती थी। समझ में आया आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें सामने आ रहा है? इन सभी चीज़ को हमने नोट किया और आपने भी इसी तरह से नोट करते हुए जाना है। और थोड़ा हमें लगा कि चलो इसके, अब चूंकि इसके मम्मी में ये दिक्कत थी, इसके बचपन में जरा जाए, जब ये छोटी बच्ची थी तो मैंने पूछा कि आपको उस वक्त कोई दिक्कत थी शरीर में, क्योंकि अभी तक जो समस्या यहाँ दिख रहा है वो सारे कफ से संबंधित प्रॉब्लम था, तो ये निश्चित है कि इसको बचपन में भी कोई कफ से संबंधित कोई दिक्कत हुआ तो होगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, वाकई में बचपन में इनको साइनस का प्रॉब्लम था, काश और विशेष करके ग्रहणी दोष से ये पीड़ित थी और इसके लिए भी इन्होंने एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाके औषधि खाया है। यानी कि जब इनका बर्थ नहीं हुआ उससे पहले मम्मी जो है जिस रोग से परेशानी था उसका ही जो जो सिम्टम्स है वो
उनके गर्भ में, क्योंकि गर्भ के अंदर ही माता के द्वारा खाए हुए और जो भी समस्या है उसका कुछ अंश, कुछ हिस्सा गर्भगत उस शिशु में पड़ता ही है, आप सब जानते हो। माँ जरा सी टेंशन ले, चिंताग्रसित हो, तो उसका प्रभाव बच्चे में होता है। माँ अगर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हमेशा बनती है, खूब दारू पीना, खूब मौज मस्ती करना, उसका भी प्रभाव गर्भस्थ शिशु में होता है। ये आयुर्वेदिक पढ़ने वाले हर एक स्टूडेंट को बताइए। तो उसके बाद हमें इनके संप्राप्ति को निकालने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, क्योंकि अभी तक हमें ये दिखाई दिया, क्योंकि कफ अवरोध ही, वायु को कफ कहीं ना कहीं अवरोध पैदा कर रहा था। लेकिन ये बड़ी विचित्र की बात है कि भाई रोम छिद्र इतना बढ़ क्यों रहा था, रोम इतना क्यों बढ़ रहा था, फेस पुरुष के समान क्यों दिख रहा था, और फेस में दाढ़ी और मूछ आने का क्या रीजन था। तो संप्राप्ति का विवेचन अब हमें इस तरह से इसका समझ में आया कि 29 साल की जो लड़की है, अभी तक पूछा गया भाई शादी नहीं हुई, चूंकि ये जो है ये टीचर थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन स्मार्टनेस नहीं था फेस में, शरीर में। 29 साल की हो गई, मैरिज नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इतनी सयानी होती लड़की, जब शादी ना हो तो फिर उसका चिंता कहीं ना कहीं मानसिक उद्वेग का ये कारण तो जरूर बनेगा। तो मानसिक उद्वेग भी इसके उस हेतु में जुड़ता गया। इसके शरीर में रोमाधिक्य के लिए इसने लेजर ट्रीटमेंट कराने के बाद भी पुनः रोम उत्पत्ति से हीन भावना ने इनको और ज़्यादा पीड़ित किया। यानी कि इन्होंने कहा कि सर रोम छिद्र बहुत ज़्यादा, रोम बहुत ज़्यादा आ रहा था, बाल जो है कि मूछे ये सारा। तो डॉक्टर ने कहा कि सर कहीं हार्मोनल प्रॉब्लम है, हार्मोन्स की मेडिसिन दे दो। और इन्होंने कुछ लेजर तकनीक से कुछ ट्रीटमेंट भी किया और हार्मोन्स के मेडिसिन भी खाया, तो उतने कुछ होने के बावजूद भी समस्या जब ठीक नहीं हो रहा था, तो मानसिक रूप पर आप बताइए कितना व्यथित हुई होगी ये। तो इस निरंतर हार्मोन्स के सेवन से उस जातक, उस लेडीज में उनकी जो व्राजक पित्त जन्य जो विविध जो अग्नि की जो विकृति है वो दिख रहा था। उसी की वजह से उसकी जो फेस की जो विवर्णता है, क्योंकि किट सार विभाजन दोस्तों व्राजक पित्त ही करता है, तो सही तरीका से व्राजक पित्त अपना काम नहीं कर रहा था। दूसरी बात, इस लेडीज का वेट ज्यादा था और उसका हाइट कम था, तो निश्चित है कि स्थौल्य जनित इनका शरीर था, मोटापा था, तो वो भी इनको टेंशन देता रहता था कि भाई यार मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ। कभी कभी इन्होंने उस मोटापे को कम करने का भी प्रयत्न किया, लेकिन फिर डॉक्टर ने कहा कि ये आपके जो है कि मम्मी और आपके दादी और सारे ये जेनेटिक सारे वो मोटे हैं, तो ये आपका ठीक नहीं हो सकता, आप ऐसे ही रहो, यहाँ आप छेड़खानी मत करो, क्योंकि बहुत सारे आप चीज़ें दवाइयाँ खा चुके हो। अब देखो कफ और जो मेद है ना, इन दोनों का समान गुण है। अगर कहीं ना कहीं मेद धातुआग्नि की कमी होगी, तो चूंकि कफ भी इनका बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्लेदक कफ का स्थान जो है अमाशय है, और अन्य कफ क्लेदक कफ से ही परिपुष्ट पुष्टिता को प्राप्त करता है। तो कफ का मंद गुण स्रोतों की गति को भी मंद कर देता है। तो कफ की जो मंद जो गति है वो उसने स्रोतों के गुणों को भी मंद किया, और फलस्वरूप क्या है कि जो भी दवाई जो खा रहे थे वो काम नहीं कर पा रहा था। मंदगामी गुण कफ का निरंतर बढ़ते जा रहा था, जिससे वायु का क्लेद को शोषित करना और पित्त का उष्ण स्वभाव से रुक्षण कर्म करना आदि प्राकृतिक क्रियाएं धीरे 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 मंद हो जाती है इनका। समझ में आया आपको कहां क्या हो रहा है? क्लेद जब बढ़ता है तो वायु का जो रुक्ष गुण है जो कि क्लेद को अवशोषण करता है, और पित्त के जो उष्ण गुण वो भी क्लेद को रुक्षण कर्म से उसको शोषण करता है, तो प्राकृतिक क्रियाएं इन दोनों का यह मंद हो रहा था। शरीर में मूर्त एवं कठिन भाव उत्पन्न होना यह जाहिर सी बात थी,
क्लेद बढ़ रहा था, मेद भी बढ़ रहा था। धीरे धीरे जो मेद धातुअग्नि वो कमजोर हो रहा था, कमजोर मेद धातुअग्नि मेद को बढ़ाएगा, और मेद और कफ का समान गुण होने के वजह से शरीर मोटा हो रहा था, हाइट बढ़ नहीं रहा था। तो अवरोध कर वायु का आवरण वो फिर वहां से कर देता है। मेद ने और क्लेद ने जब अवरोध पैदा किया होगा तो वायु जो है अवरोधी हो गया, वायु में व्यवधान उत्पन्न हो गया। कफ और मेद दोनों समस्वभावी होने से यह कार्य करते हैं, जिससे उपरोक्त जो आलस्य और अंग मर्द और गुरुता और शैथिल्यता ऊपर जो हमने जिक्र किया था वो लक्षण यहां पर इसी वजह से आ गया। इसको आप जरा नोट करते थे, हर एक लफ्ज को ध्यान से सुनना है आपने, इसी तरह से हर एक पेशेंट का केस स्टडी करना है। आप देखो अनियंत्रित क्षुधा का कारण क्या था, मेदोवृत्ति, क्योंकि कफ का और क्लेद का और मेद का समान गुण होता है, तो इन सभी से कफ की और क्लेद की अधिकता से जो अग्नि है जाठराग्नि वगैरह वो मंद था, मंद हो रहा था। मंद अग्नि को क्लेद ने और ज्यादा मंद कर दिया, तो फलस्वरूप जो मेद धातु अग्नि है वो कमजोर पड़ गया। अब एक चीज मैं बताता हूं, अगर किसी भी धातु के अग्नि अगर कमजोर रहता है तो वो धातु की वृद्धि करता है, और अगर तीव्र होता है तो धातु को वो धातु की वो मतलब कि हानि करता है। तो जाहिर सी बात है कि इस रोगी में मेद धातु की जो अग्नि है वो कमजोर था, और फलस्वरूप मेद की वृद्धि यहां हो रहा था। इसके वजह से वायु का वाह्य मार्ग कफ या मेद से आवृत होने के कारण वह कोष्ठ में ही रह जाता था, वायु की जो रास्ता है वह जा नहीं पा रहा था। आगे भी बंद, पीछे भी क्लेद ने बंद किया, मेद ने बंद किया है, वायु बेचारा जाए तो कहां से निकले आगे। तो उसके वजह से वो वायु धीरे धीरे वहां वृद्धि को प्राप्त होकर के उस कोष्ठ में, जो वायु जहां पर वो बेचारा घूम रहा था, निकलने का रास्ता है नहीं, सब जगह क्लेद ने अवरोध पैदा किया है, तो कोष्ठ में उसी जगह संचार होकर के अग्नि को शोषित और साथ में प्रदीप्त भी कर रहा था, क्योंकि वायु जो है अपना धोंक से अपने फूंक मार मार करके उस जगह के जो वायु जो पित्त है उसको वो बढ़ा रहा था, जिससे भोजन का पाचन शीघ्र शीघ्र होने लगता है। उस जगह का वायु ने क्या किया, उतने एरिया के जो है उस पित्त को उसने बढ़ाना शुरू किया, जिससे बार बार भोजन की इच्छा होना और न मिलने पर दौर्बल्य जनित क्रोध की भावना उत्पन्न होना। एक चीज ध्यान देना, इंसान को गुस्सा तब आता है जब उसको दौर्बल्य रहता है, और वो अग्नि के वजह से होता है। गुस्सा ज्यादातर आप देखोगे जिसकी अग्नि बड़ी है ना प्रबल, जिनके जिसके प्रभाव प्रबल अग्नि है, वो प्रबल अग्नि वायु के डिसबैलेंस होने की वजह से होता है। बढ़ते हुए वायु जब पित्त को जब क्रोधित करता है तो वहां पर उस व्यक्ति के स्वभाव में क्रोध उत्पन्न होता है। तो इनका जो बहुत जल्दी भूख लगना और भूख लगने पर भोजन न मिलने से जो उनको है ना क्रोध जो उत्पन्न होता था उसका हेतु यही है। अब यहां पर जरा आप संप्राप्ति घटक को हमें नोट करना है। यहां पर हमें दोष में वायु का समान वायु, अपान वायु और व्यान वायु, ये तीन चीजें ऊपर आपको समझ में आया होगा। पित्त में पाचक पित्त और भ्राजक पित्त, ये दो चीजें समझ में आया होगा। कफ में क्लेदक कफ, ये आपको समझ में आया होगा। तो कफ पित्त और वायु ये तीनों इस तरह से संप्राप्ति इनका घटक हुई इनके शरीर में। समान अपान और व्यान वायु में काम करने वाला, पाचक और भ्राजक पित्त में काम करने वाला, और क्लेदक कफ में काम करने वाला, अब हमें यहां मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। इतना हमें यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। यहां पर दोष्य अगर हम देखें, क्योंकि दोष दोष्य समूर्षणम से व्याधि, व्याधि जो होता है वो दोष और दोष्य के मूर्षणा से, एक्य से, एकता से, मिलन से होता है। तो दोष हमने ऊपर बात किया। अब दोष्य जो है वो रस धातु है, मेद धातु है, त्वक, आर्तव और क्लेद, ये पांच चीज यहां दोष्य हो गया।
दोष में मैंने बात किया समान अपान व्यान वायु पाचक भ्राजक पित्त और क्लेद कफ दोष रस मेद त्वक आर्तव और क्लेद ये दोष्य हो गया। तो दोष दुष्य समूर्षणंश व्याधि। अब स्रोतस क्या हो सकता है तो रस धातु, क्योंकि रस धातु के विकृति से कई सारे इस तरह के हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं। रक्त धातु क्योंकि पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा था वो रस और रक्त की विकृति से होती है। मेद धातु क्योंकि मोटापा बढ़ रहा था, जो मेद धातु अग्नि है वो कमजोर पड़ रहा था। तो स्रोतस में रस वह स्रोतस, रक्त वह स्रोतस, मेदो वह स्रोतस, आर्तव वह स्रोतस और स्वेद वह स्रोतस। इन पांच स्रोतसों में ऊपर के दोष और दुष्य की सम्मूषणा से इसमें विकृति देखने को मिला। अग्नि की बात करें तो दोस्तों जाठराग्नि को कौन खराब कर रहा था, कफ के क्लेदक कफ और मेद, और जो क्लेद और मेद इन दोनों ने रस वात वह जो स्रोतस है उसके अवरोध करने से यहां पर जाठराग्नि को उस वायु ने तीक्ष्ण कर दिया, तेज किया। तो जाठराग्नि तो तेज हो गया लेकिन मेद धातुआग्नि बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गया। तो जाठराग्नि और मेद धातुआग्नि, जाठराग्नि तेज हो गया इसीलिए उसको बहुत ज्यादा क्षणिक में भूख लगता था और उसके वजह से दौर्बल्य जनित क्रोध उसको आता था, लेकिन मेद धातुआग्नि वो मंद पड़ गया था क्लेद के वजह से। तो अग्नि में ये दो अग्नि को हमने यहां संतुलित रखने के लिए ट्रीटमेंट देना है। स्रोतस में रस रक्त मेद आर्तव और स्वेद को हमने ध्यान में रखना है उस ट्रीटमेंट के लिए। रोगोद्भव स्थान क्या हो सकता है, कहां से यह रोग पहले उत्पन्न हुआ होगा, तो आमाशयगत, आमाशय जो है इस रोग का मुख्य स्थान है। आमाशय से ही इन सारे रोगों का प्रारंभिक जो समस्या है वो धीरे धीरे बनना शुरू हुआ है। आमाशय से ही सबसे पहले, क्योंकि इनका जो प्रतिस्याय वगैरह जो देखने को सबसे पहले बचपन में जो मिला वो आमाशय से उत्पन्न हुआ है सारे, इसीलिए रोगोद्भव स्थान क्या है, आमाशय। अब चिकित्सा क्या दिया जाए, इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। रोगी को आपने, अब हमें पता चला ऊपर स्रोतस क्या है, अग्नि कहाँ खराब हुई, रोगोद्भव स्थान क्या है, स्रोतस क्या है, दोष दुष्य की क्या स्थिति है, सारा परिभाषा आपने नोट किया। उसके बाद आपने अब रोगी को सबसे पहले यहां पर क्या करना है, कफ को पचन करने वाली, रस और रक्त धातु को मजबूत करने वाली, और जो जो पाचक अग्नि है, रस पाचक और रक्त पाचक और मेद पाचक, इस दवाई को आपने रोगी को देना है। उससे पहले आपने आम पाचक दवाई का परिकल्पना करके रोगी को आपने 7 दिन तक दोषों की कोष्ठ तक दोष को लाने के लिए आपने रोगी को बोलना है कि 7 दिन तक ये दीपन और पाचन वाली दवाई, क्योंकि दीपन पाचन जब तक कोष्ठगत आम जो अभी कच्चा है उसको जब तक आप पकाओगे नहीं, उसको वहाँ से खिसकाओगे नहीं, उसको बैला फुसला करके कोष्ठ तक नहीं ले आओगे, तब तक आप कोई भी रसायन दे दो वो रसायन को काम नहीं करेगा। रसायन जो है इंसान के शरीर की कार्य शक्ति को बढ़ा करके उस रोग से लड़ने में वो सहायता करता है, लेकिन जो सूक्ष्म स्रोतोगत जो आम है, जो समस्या है, जो टॉक्सिन है, उसको जब तक आप शरीर से बाहर निकालने की तरफ जब तक आप नहीं सोचोगे तब तक बात बनेगी नहीं। इसीलिए सबसे पहले आपने यहाँ पर आम पाचक चूर्ण देना है, आप यहाँ पर मेदो पाचक चूर्ण, ये सारी चीज़ें आपने परिकल्पना करना है। तो हमने इनको सबसे पहले 7 दिन तक जिन जिन दवाइयों का जो परिकल्पना किया और यहाँ पर उसका चिकित्सा सूत्र हमने कैसे यहाँ निर्माण किया, अब यहाँ से आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। नोट करते जाइए, रोगी को आहार विहार और औषध सेवन के विषय में हमने समझाया कि आपका भोजन कैसा होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से ही सारी चीज़ें बिगड़ते आया है। खाने का तरीका और रहने का तरीका हमने समझाना है। कैसा तरीका, वो भोजन जो कफ को शमन करता है, वह भोजन जो कफ को शमन करता है, क्योंकि यहाँ पर जाठराग्नि तो बहुत तीव्र है,
कफ जब तक यहां से बाहर नहीं निकलेगा, कफ का पचन जब तक नहीं होगा, तब तक वो वायु के मार्ग को अवरोध करने की उसकी जो कैपेसिटी, जो शक्ति, वो छीण नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले यहां इलाज किसका होना चाहिए, करना चाहिए? कफ का। तो हमें मेद, और जो मेद जो कि कफ का ही प्रतीकात्मक रूप है ना, समान गुण धर्मी वाला है, इसीलिए हमने कफ दोष को मंद करने के लिए हमने यहां पर सबसे पहले सोचना है। तो आहार ऐसा जो कफ को कम करे, विहार ऐसा जो कफ को न बढ़ाए, औषध निदान परिवर्जन संशोधन, कर्षण यानी कि उसको निकालना, मेद क्षपण अनुलोमन, अनुलोमन करना है हमने इसको, क्योंकि ये प्रतिलोमन हो रहा था, वायु जो ऊपर की ओर जा रहा था, वायु जो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर अनुलोमन होता है, कफ के और क्लेद ने, मेद और क्लेद ने जो इसका वायु को जो रोका था, उसको हमने वायु को अनुलोमन करना है और कफ को हमें वहां से सूक्ष्म स्रोत से बाहर निकालना है। और उसके बाद आर्तव जनन, इसके पीरियड को हमने जरा सही करना है, हमारा ध्यान उस दिशा में जाना है। देखो, मेदोवाही स्रोतो दुष्टि में मेद छप्पड़ अर्थात इसे नष्ट करने वाले आहार विहार का चिकित्सा में सर्वाधिक योगदान रहता है। कर्षण भेदन लेखन और मेद का छेदन आहार और औषध द्रव्यों से ही किया जा सकता है। बताया गया है मेदो जल पृथ्व्यात्मकम, यानी मेदोवर्धक द्रव्य पृथ्वी एवं जल महाभूत की अधिकता युक्त स्निग्ध मधुर और विशेषकर ब्रह्मण गुणों की अधिकता युक्त होते हैं। ये मेद की पराकाष्ठा है। इसके विपरीत हमें ऐसी आहार और औषध की परिकल्पना यहां करना बहुत जरूरी है जो आकाश अग्नि और वायु प्रदान हो। पर वायु को विषम यहां नहीं करना, क्योंकि वायु यहां पर पहले से बड़ा हुआ है। हमें आकाश और अग्नि तत्व के लिए विशेष काम करना है, वायु तत्व के लिए भी काम करना है, लेकिन उसमें हमें यह ध्यान देना है कि जो वायु है वो विषम स्थिति में ना हो, क्योंकि पहले बिगड़ा हुआ है। यहां उष्णता तीक्ष्णता से संग दोष को भी दूर करना चाहिए। साथ ही मेद का जो रुक्षण छेदन भेदन करना चाहिए, तभी ना होगा। मेद जब तक बहिर्गमन नहीं होगा तब तक इस रोगी के लिए कोई बात नहीं बनेगी। आर्तव प्रवर्तन में ये सभी जो व्यवहार है वो बहुत जरूरी है, तभी उसकी जो रजस्वला है वो सही तरीका से गमन करेगा। या यव जो जौ जो होता है ना दोस्तों, वो वायु को कंट्रोल करता है, वायु सामक ये द्रव्य रुक्ष गुण वाला है। और उसके साथ अगर हम चने के आटा को भी मिश्रित करके अगर रोटी बना करके थोड़ी थोड़ी इसको देंगे तो वायु के लिए एक लंघन के जैसा ही कार्य होगा, लेकिन यहां पर पूरी तरह से स्पष्ट लंघन भी नहीं होगा। यह क्रिया वायु के बढ़ते हुए चीजों को घटाएगा, जैसे लंघन को कम करता, लंघन से कम होता है, लेकिन चूंकि हम भोजन करके वायु को हम यहां पर विकृत अवस्था में भी नहीं लेके जा रहे, क्योंकि लंघन से तो वायु विकृत अवस्था में हो जाएगा, क्योंकि यहां तो बढ़ रहा है इसका। तो हमने फाइनली रोगी को कहा कि आप जौ और चने के जो आटा है उसको मिला करके रोटी बना करके उसको सेवन करो, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही एक तो वायु का भी समन करता है और सबसे बड़ी बात ये मेदहर है। मेद को नष्ट करने जो डायबिटीज के जो मरीज है उनको आप कुछ भी मेडिसिन दोगे उसके साथ साथ जौ और चने के आटा इन दोनों को मिला करके आप उनको रोटी खाने के लिए दे देना, क्योंकि यह क्लेद को भी नष्ट करता है और मेद को भी नष्ट करता है। मोटापे वाले जो रोगी है उनको आप ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो 40-40 मिनट प्रातः सायं भ्रमण थोड़ा थोड़ा करके घूमना है, कभी कभी तीव्र गति से घूमना है, क्योंकि तीव्र गति से घूमोगे तो वायु आपका क्या होगा उस में थोड़ा हीलिंग होगा। रात्रि भोजन में कभी मूंग दाल क्रिशरा और बाजरे की क्रिशरा भी, बीच बीच में रात्रि के समय मूंग मसूर के दाल जो मिक्सअप जो सूप होता है वो, और डिनर में उसको दिया गया। देखो मधुर स्निग्ध पदार्थों की अति अल्पता कर दी गई है, क्योंकि स्निग्ध इसलिए, हालांकि स्निग्ध पदार्थ जो है वो वायु समन तो जरूर करता है, लेकिन इनका मुख्य जो है वो क्लेद को बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है और कफ ही इसका रोग का मुख्य कारण है। तो हमें क्लेद को बढ़ने वाली कोई चीजें हम दे नहीं सकते। तो चूंकि स्निग्ध और मधुर पदार्थ कफ को बढ़ाता है,
तो हमने रोगी को ये दोनों पदार्थ देने से पूरी तरह से कंट्रोल किया। चने और जो जौ का आटा है उसका इन्होंने निरंतर सुबह और शाम रोटी कर खाते रहना है। लेकिन एक बात है, अगर आप किसी को ये रुक्ष प्रदान जो चना और जौ के आटा का रोटी अगर आप खाने को दोगे तो इनको प्यास बहुत जल्दी लगेगा, क्योंकि शरीर में रुक्षता बढ़ेगी, रुक्षता से रस धातु में समस्या होगा, रस धातु क्षीण होगा, तो फिर बात वही है, छूदा बढ़ेगा यानी प्यास बढ़ेगा। जब प्यास बढ़ेगा तो आप कुछ भी ऐसे चीज़ें खाओगे जो मधुर द्रव्य प्रदान होगा, फिर वही क्लेद बढ़ेगा, दिक्कत होगी ना। तो आपने फिर यहाँ से समझ में आ रहा है आपको कहाँ कहाँ से दिमाग घुमाना है। तो फिर हमने क्या किया, ब्रेकफास्ट में हमने उनको कहा कि आप यहाँ पर पोहा का सेवन करना है। एक चीज आपको बता दूं, जो पोहा है वो कफ को तो नहीं बढ़ाता लेकिन छोदा भूख और प्यास भी वो कंट्रोल करता है, इसलिए पोहा की बहुत महत्व रहता है, भूख और प्यास ये लगने नहीं देता। हो गई ना बात, इसका क्लेद नहीं बढ़ रहा है, वायु को ये कंट्रोल कर रहा है, मेद को ये कंट्रोल कर रहा है, जो क्लेद कफ है ये उसको समन कर रहा है। अभी हमने कोई दवाई इसको नहीं दिया। तो इस तरह से हमने आहार का और विहार का यहां पर हमने परिकल्पना किया, रोगी को समझाया। अब हमने कुछ आयुर्वेदिक दवाई यहां देना है। तो एक चीज बताऊं, जो शिलाजीत और गुग्गल जो है वो योगवाही है। तो योगवाही क्या है, ये दोषों का भी समन करे, वायु जो है उसको भी ये कंट्रोल करे, क्लेद को भी ये कम करे, लेकिन साथ साथ में अब हम जो दूसरे दवाई देंगे उसके भी गुणों को ये बढ़ाए। तो हमने अल्प मात्रा में गुग्गल और शिलाजतु का रोगी के ऊपर प्रयोग किया। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, गुग्गल और शिलाजित इन दोनों को अगर आप कोई ऐसा रोगी जो जौ और चने के आटा के साथ रोटी बना के खा रहा हो ऐसे रोगी को आप दोगे तो उससे उस रोगी के क्लेद में और मेद धातु में अच्छा काम होता है। उसके मेद धातु के जो अग्नि है गुग्गल और शिलाजतु बहुत जल्दी उसको बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि ये दोनों ही आप जानते हो, जो शिलाजीत है वो मूत्रवाही स्रोतस में अच्छा काम करता है, उसे लेडीज के पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो शिलाजीत वहां पर भी बेहतर काम करेगा। तो हमने इस तरह से इनको थोड़े थोड़े गुग्गल और शिलाजीत देने का यहां पर संकल्प लिया और उनको हमने दिया। अब यहां हमने रोगी के रोग को देख करके, क्योंकि जब हम दवाई देंगे तो इनके जो क्लेद है उसको हमने हटाना है, तो क्लेद को लेखनीय द्रव्यों से ही हम क्लेद को तोड़ सकते। तो यहां पर हमने छेदन भेदन करना है। इसके लिए आप जानते हैं कुटकी सबसे बेहतर है, और ऐसा दवाई जहां कुटकी पड़ा हुआ हो और शरीर में जो है कि रसायन भी पैदा करे तो आरोग्य वर्धिनी उससे बढ़िया और कोई हो नहीं सकता। आरोग्य वर्धिनी सुबह शाम 3-3 टैबलेट इनको हमने दिया, क्योंकि ये संग दोष हर है। यहां पर वात पित्त और कफ जो है ये आपस में संसर्ग जा दोष गुणा भवंती, ये संसर्ग हो रहे थे सब दोषा के माध्यम से। तो ये जो संग दोष जो है एक आपस में जो मिलकर के जो ये व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे, जो रोग उत्पन्न कर रहे थे, आरोग्य वर्धिनी के अंदर जो कुटकी है वो उस संग दोष को तोड़ेगा, लेखन कर्म करेगा। इसके अंदर आकाश गुण है आरोग्य वर्धिनी में, तो आकाश क्या करता है कि उसमें छिन्न भिन्न करने का काम करता है, मेद को कम करता है, गुग्गल शिलाजीत और कुटकी इसके अंदर पड़ा हुआ है, इसीलिए आरोग्य वर्धिनी हमने यहां पर दिया। अलग से शिलाजीत दिया और गुग्गल शिलाजीत और कुटकी ये तीनों ही जिसमें पड़ते ऐसे आरोग्य वर्धिनी को भी हमने यहां पर परिकल्पना किया कि चलो जाओ भाई मेद को और ज्यादा तोड़ो। अब देखो इनका चूंकि आर्तव जनन से संबंधित समस्या है, इनका मुख्य समस्या ही वही है, मूत्र वह स्रोतस में प्रॉब्लम है, रस वह स्रोतस, मेद वह स्रोतस और अक्लेद और आर्तव वह स्रोतस में प्रॉब्लम है ना, धात्वाग्नि की प्रॉब्लम है। तो ऐसे में अगर आप चंद्र प्रभावटी की कल्पना नहीं करेंगे, विशेष करके स्त्रियों के लिए चंद्र प्रभावटी तो अमृत के समान है, तो यहां हमने दो दो टैबलेट सुबह और शाम चंद्र प्रभावटी का परिकल्पना किया।
ये भी शिलाजित एवं गुग्गल से युक्त है। तो हमारा जो ट्रीटमेंट है कहाँ जा रहा है आपको समझ में आ रहा है, क्लेद को भी खत्म करें लेकिन मूत्र और श्रोतस के ऊपर भी मजबूती पैदा करने वाले दवाई हम ज्यादा दे रहे हैं इनको, क्योंकि इनका मुख्य जो दिक्कत जो समस्या है वो वहीं पर तो है ना। तो हमने मेडिसिन का चयन भी हम उसी हिसाब से कर रहे कि जाओ मूत्र वह श्रोतस में जाकर के अपना काम करो, जो अग्नि को भी प्रदीप्त करे मेंटेन करे, जो वायु को भी सम करे, जो कफ की क्लेदक कफ को भी ये ठीक करे। चंद्र प्रभाव से बढ़िया कुछ हो नहीं सकता, जो प्रमेह जन्य मेद से भी जो है कि इंसान को बचाता है डायबिटीज में, आपको पता है। और मेदोवायु स्रोतों पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है। स्त्रियों के गर्भाशय के लिए यह वल्य है, यानी वहां पर बल प्रदान करता है। इससे पूर्व भी हमने इस मेडिसिन को ऐसा पेशेंट जिनके मुछे, ऐसी लड़की या लेडी जिनके दाढ़ी और मूछ आता है, हमने कई सारे पेशेंट के ऊपर इसका प्रभाव देखा है। इसीलिए हमें लगा चलो चंद्र प्रभावटी यहां बेहतर काम करेगा। एक चीज मैं आपको बताऊं, जिस किसी भी लेडीज के मूछे आ रहा है, आंखों के नीचे ब्लैकनेस दिखता है, तो कंफर्म आप हो जाओ उनके ब्लैकनेस डार्कनेस या कुछ फोड़े फुंसी फेस में दिखता है, इसका मतलब है कि जो है रजस्वला से रिलेटेड जो प्रॉब्लम इसको डेफिनेटली है। व्हाइटनेस जो व्हाइट डिस्चार्ज वगैरह जो है वो डेफिनेटली इनमें दिखता है। तो जो रज प्रवर्तन करने वाले मेडिसिन अगर आप साथ में दोगे तो यह बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। यही जानकर के हमने रज प्रवृत्ति निवृत्ति दिन में 3 टाइम 2-2 टैबलेट्स रोगी को दिया, क्योंकि उनका एज काफी ज्यादा हो गया था। दिन में 3 टाइम 2-2 टैबलेट, क्योंकि यह एक मुख्य घटक द्रव्य इस रोगी के लिए हमने यह चयन किया। कभी कभी इसकी गोलियां हमने 3-3 भी रखी उस रोगी की रज की प्रवृत्ति को देखते हुए। अब यहां उसके बाद हमने एक मेडिसिन, क्योंकि इसके जब तक क्लेद को पूरी तरह से तोड़ने वाला कोई दवाई हम नहीं देंगे तब तक यहां बात नहीं बनेगी। इस लेडीज ने अभी ऊपर आपने सुने होंगे कि अति मीठा खाने का बहुत ज्यादा मन करता है, भूख लगती है और भूख में हमें मीठा खाने का मन करता है, तो उसके लिए सबसे बेहतर त्रिकटु है। तो हमने सुबह और शाम 1-1 ग्राम त्रिकटु 1 चम्मच शहद में मिला करके लंच और डिनर के बाद देने का हमने इच्छा किया, हमने एक परिकल्पना किया, क्योंकि रुग्णा को भोजन के बाद ही मीठा सेवन की आदत थी, भोजन करने के बाद कोई ना कोई मीठा खाना जरूरी था, क्योंकि शहद एक मीठा है। उस शहद के साथ जो है हमने जो त्रिकटु डाला वो उस क्लेद को भी नष्ट करेगा, क्योंकि शहद जो है वो कफ के लिए दिया जाता है और घृतम जो है वो पित्त के लिए और तेल जो है वो वायु के लिए। यहां रोगी के शरीर में क्लेद बड़ा हुआ था जो कफ का ही एक प्रतीकात्मक स्वरूप है, तो शहद त्रिकटु के साथ हमने यहां पर दिया। एक चीज मैं आपको बताऊं कि भोजन के बाद इंसान के शरीर में क्लेद का उत्पादन होता है उस भोजन को पचाने के लिए, तो यहां पर अगर हम शहद के साथ अगर त्रिकटु देंगे तो उत्पन्न होने वाला जो क्लेद है, क्योंकि यह तो रोग ही क्लेद से संबंधित है, कफ से संबंधित है, तो उत्पन्न होने वाला जो क्लेद है उसके ऊपर शहद और त्रिकटु अपना एक बेहतरीन एक प्रभाव दिखाता है। जिस तरह से अभी हमने पहले चर्चा किया था कि इस लेडीज में गुरुता, आलस्य, अंगमर्द और इस तरह के लक्षण जो दिख रहा था वो क्लेद के ही अधिक उत्पन्न होने की वजह से हो रहा था, तो यहां पर हमने जैसे ही त्रिकटु डालकर के शहद को इनको चटाया तो क्लेद के उत्पन्न होने की जो स्थिति है उसमें उसने कंट्रोल किया, और फलस्वरूप पेशेंट में गुरुता, आलस्य और अंगमर्द जो कफ से संबंधित था, जो क्लेद के उत्पन्न होने वाला था, होने से जो समस्या दिखता था, वो धीरे धीरे इस दवाई के एक साधारण दवाई के चाटन से उनको बेनिफिट मिलने लगा। इन्होंने कहा था कि भाई जो पीरियड जो है, जो आर्तव जनन प्रवृत्ति जो है वो होता ही नहीं है, बहुत देरी से होता है, कभी होता ही नहीं है, तो यहाँ पर हमने नष्ट पुष्पांतक इस दवाई को दिया, नष्ट पुष्पांतक रस। इसके जो उपयोग है आप सभी जानते हो कि आर्तव में जो विलंब अगर होता है उसमें ये बेहतर काम करता है। और एक दवाई हमने यहाँ साथ में ये प्लस किया, एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, इसका नाम है बंडाल डोडा, ये बहुत उष्ण और रुक्ष प्रकृति वाला है,
ये भी आर्तव जनन है। आर्तव की जो प्रॉब्लम है उसमें ये काम करता है, रजस्शुला को खोल देता है। तो मैंने एक दिन 5 पीस जो बंडाल डोडा है रात में भिगोने के लिए बताया, दूसरे दिन सुबह उसको उन्होंने उबालना है और आधा गिलास से कम जब पानी बचे तो उसको छान करके पीना है। तो ऐसा मैंने सुबह निहार मुंह खाली पेट उनको मैंने दिया। उसके जस्ट दूसरे ही दिन, चूंकि नष्ट पुष्पांतक रस भी चल रहा था और जैसे ही इनके पीरियड आने का जस्ट जो टाइम था उसके एक दिन पहले मैंने पिला दिया, तो उसी दिन डेफिनेटली इनका बहुत तेजी से ब्लीडिंग हुआ और इनका पीरियड हो गया। और उस ब्लीडिंग में बहुत सारी जो गंदगी है, जो पहले से जो क्लेद स्वरूप था, जो कफ की क्लेद ने जो अवरोध पैदा किया था वो पूरी तरह से खुल गया। बहुत ज्यादा यहाँ पर ब्लीडिंग हुआ इनको। तो इस तरह से यहां पर, क्योंकि जैसे ही आर्तव खुलेगा वैसे ही रोगी को बहुत सारे जो समस्या है वहां पर इनको बेनिफिट आना था। तो ये मेरा पेशेंट का, अभी ये 1 महीने तक मैं इस रोगी को इसी तरह के मेडिसिन दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बीच में फल त्रिकादि क्वाथ भी यहाँ पर मैंने जोड़ा था। तो इस तरह से दोस्तों ये मेरा फर्स्ट मंथ का ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अब सेकेंड मंथ जब पेशेंट मेरे पास आएंगे तो उनका फिर मैं हिस्ट्री लूँगा कि जो जो स्रोत को देख करके, जो जो समस्या को देख करके मैंने जो घटक द्रव्यों का, मैंने संप्राप्ति का, मैंने जो यहाँ पर एक परिकल्पना किया था, वो जो मैंने जो मेडिसिन दिया था उस में, अभी तक मैंने कोई रसायन इसके ऊपर मैंने प्रयोग नहीं किया। कि मैं जानता हूँ जब तक ये क्लेद का, कफ का और इन सारी चीज़ों का जब तक मतलब कि जो रजत दुष्टि है ये जब तक खुलेंगे नहीं, जब तक दीपन पाचन नहीं होगा तब तक कोई बात नहीं बनेगी। तो फर्स्ट मंथ मैंने इनको दीपन पाचन करने वाला और रजा को प्रवर्तन करने वाला इस तरह के मेडिसिन दिया जो थोड़ा सा क्लेद को भी कम करे, थोड़ा सा मेद धातुवाग्नि को भी बढ़ाए। ये मेरे, मुझे लगा कि इस तरह की चीज़ें मुझे करना चाहिए, इस तरह से ये मेरा परिकल्पना है। आपको जरूर समझ में आया होगा, इस तरह से आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट मंथ जब रोगी मेरे पास आएंगे तो मैं देखूंगा कि उसकी आलस्य, जो उनका कफ का जो सिम्टम्स था, ठीक है, और जैसे जो आलस्य है वो आलस्य कैसा है, आलस्य आता है कि नहीं भोजन करने के बाद जिस तरह से इनको था, तो उसको मैं पूछूंगा। उसके बाद रज प्रवृत्ति के बारे में मैं इनसे पूछूंगा और 2-3 चीज़ें पता चल जाएगा मेडिसिन किस लेवल में काम कर रहा है। उसके बाद आगे मुझे किस तरह के मेडिसिन को जोड़ना चाहिए और मुझे किस तरह से उसको सोचना चाहिए उसके बारे में भी मैं, अगर मेरा याद रहा मुझे वीडियो बनाने के लिए, तो ज़रूर मैं आपके सामने उसको फिर नया केस को मैं तैयार करके उसको मैं मेडिसिन को किस तरह से, अब मैं जब रसायन दूंगा तो रसायन को मैंने कैसे वहाँ पर सोचा होगा, किस तरह से रसायन, अगर हम अभ्रक भस्म देंगे, अगर हम यहाँ पर कोई भी इस तरह के रसायन देंगे तो वो क्यों देंगे और उसका क्या काम हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके समझाएंगे और किस तरह से देना है, किस अनुपान के साथ देना है, ये विस्तृत व्याख्यान हम करेंगे। आज का वीडियो का सारांश ये है कि आप अगर वैद्य हो, आप अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, तो आपने हर एक पेशेंट का इसी तरह से हेतु संप्राप्ति और लक्षणों को आपने निकालना है। दोष दुष्य सम्मूर्षणम, इन तीनों को आपने गौर से देखना है कि कौन सा दुष किस दुष्य के साथ मूर्षणा हो रहा है, उस मूर्षणा से कौन कौन से स्रोतस में किस तरह से व्यवधान उत्पन्न हुआ। क्योंकि जो अग्नि है, अग्नि के मंद होने से ही रोग होता है। तो बहुत सारे अग्नि है ना, रसाग्नि है, रक्ताग्नि है, मांसाग्नि है ना, यहाँ जिस तरह से मेद धातुवाग्नि कमजोर हो रहा था, जाठराग्नि है, तो ये सारी चीज़ें में से कौन सा अग्नि कमजोर पड़ रहा था या कौन से अग्नि में अति वृद्धि हो रही थी, जाठराग्नि उसको कफ या वायु में से कौन उसको बिगाड़ रहा है, इन सारी चीज़ों को आपने गौर से देखना है और समझना है। उसके बाद एक निश्चित आपने टारगेट बनाना है, इस पेशेंट को इतने समय तक ट्रीटमेंट चलेगा, पहले इतने दिन तक मैं इस तरह के मेडिसिन दे करके इसके उस स्रोतगामी जो दुष्टि है जो दोष है उसको मैं पहले खत्म करूंगा। तो इस तरह से आपको सोचना चाहिए। आज का मेरा वीडियो है कि रोगी जब आपके पास आता है, केस स्टडी करना है, उसके लिए आपने प्रॉपर एक डायरी में हर एक चीज़ पूछना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने आयुर्वेदिक जो संगठन है, आयुर्वेदिक जो दृष्टिकोण है उसको लगा करके फिर मेडिसिन का आपने यहाँ पर एक तरह से प्लानिंग करना है। तो
अगर ये आप रोज हर एक पेशेंट के ऊपर आप करते रहोगे, पहले आप डायरी बुक को देख करके, मेरे वीडियो को देख करके आप अभ्यास कर लो, धीरे 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 अभ्यास स्वरूप आप इतना टैलेंट हो जाओगे कि कुछ भी आपको ग्रंथ पुस्तक न तो चरक न तो सुश्रुत, क्योंकि उसकी जो सारांश है वो पूरा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो जहां दिमाग में सारांश बैठ जाएगा फिर तो आप उठते बैठते खाते पीते हर जगह आपके दिमाग में वो चीज़ें, अच्छा मैंने आरोग्य वर्धिनी देना है, उसका काम ये है या इस तरह से काम करेगा, इस तरह से आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सारी बातें घूमना शुरू हो जाएगा। फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप जिस भी पेशेंट को आप ट्रीटमेंट दोगे, फिर तो आप चाहे मुलेट ही दो तो भी वो पेशेंट ठीक है, फिर चाहे आप उसको चावल के मांड दो तो भी वो पेशेंट ठीक है, क्योंकि कहाँ से विकृति उत्पन्न हुआ है उसके जड़ को आप पकड़ लोगे, पकड़ने के बाद तो फिर कुछ भी उसके हिसाब से दवाई दे दो रोगी ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर आप लिखिए, और इसी तरह से कुछ जो है केस के ऊपर हम निरंतर चर्चा करते रहेंगे। आने वाले समय में हम और भी इस तरह के आयुर्वेदिक विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि देखो व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम ऐसा बताया जाता है कि जो आपके पास भी अगर कोई ऐसी विद्या है, आयुर्वेद हो ज्योतिष हो कोई भी इस तरह के नॉलेज है, तो जरूर आप उसको दूसरों को बांटो, क्योंकि बांटने से ही विद्या की अभिवृद्धि होगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तो न बताने से वो विद्या कुंठित होगा, क्योंकि विद्या जो सरस्वती का प्रतीक है, सरस्वती को भगवान भोलेनाथ जी ने विद्या लोगों को देने के लिए उनको प्रदान किया है। तो न तो भगवान भोलेनाथ जी किसी का मतलब कि किसी एक का है, न सरस्वती माता किसी एक व्यक्ति का है, सबका है। तो ज्ञान आप जितने बढ़ाओगे सरस्वती माता आपसे उतने प्रसन्न होंगे, आयुर्वेद का जितना आप प्रचार करोगे आयुर्वेद उतना उतना प्रचार होगा। मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ, चलते चलते समझ में आपको आए अच्छी बात है। देखो मैंने इस वीडियो के माध्यम से कोई एक अच्छी बात किसी को समझाया, कोई पेशेंट था रोगी था बेचारा, वो उसके पास इतना पैसे तो था नहीं कि मुझे वो फ़ोन करे मेरे से मेडिसिन ले ले, मैंने कोई सिंपल सा एक चीज़ बताया उसको, वो बात समझ में आ गया, उसके हिसाब से उसने वो मेडिसिन बना करके खाया, दवाई खाते ही उसको बहुत अच्छा उसका बेनिफिट दिखने लगा। तो अब क्या होगा, उसके अंदर आयुर्वेद के प्रति एक विश्वास जगेगा, जब जगेगा तो अब वो इतने दूर से मेरे पास आए, मैं तो पंजाब में हूँ ये जरूरी तो है नहीं, इसीलिए वो क्या करेगा उसके आसपास कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर या वैद्य वो तलाशना शुरू करेगा, क्योंकि उसके नज़र में तो आयुर्वेदिक जो वैद्य सभी एक समान है। तो देखो मैंने एक चीज़ बताया उसने उस चीज़ को किया, लेकिन बेनिफिट किसको हुआ, जो उसके बगल में जो डॉक्टर या वैद्य जो आयुर्वेद का है उसको। तो ऐसे ही जब आप में से कोई आयुर्वेदिक किसी बात को समझाएगा YouTube या किसी इस तरह के सोशल साइट में, किसी के समझ में आएगा जो मेरे बगल में है, वो मेरे पास आएगा उससे बेनिफिट होने पर, क्योंकि उसके बगल में तो मैं ही हूँ जो उसके समझ में है, तो फिर मेरा भी काम बढ़ेगा। इस तरह से आप अगर हम सभी लोग आयुर्वेद के इसके विषयों के ऊपर हम सोशल साइट में अगर चर्चा करते हैं तो आपसे मुझे और मेरे से आपको बेनिफिट मिलेगा, और ये डेफिनेटली बात है। इससे जो हम लोग आयुर्वेद का एक बेहतरीन वेश हम तैयार कर सकते, हमारे हिंदुस्तान जो आयुर्वेद ही इसका मुख्य जनक स्थान है, तो यहाँ पर धीरे धीरे आयुर्वेद का स्थापना होगा। और मैं सच बताता हूँ कि एलोपैथिक आयुर्वेद के नज़र में आयुर्वेद के सामने कुछ नहीं, बिल्कुल बोना है, लेकिन चूंकि बहुत समय से एलोपैथी का इस हिसाब से प्रचार किया गया कि आयुर्वेद को नीचा दिखाने के हैसियत से और एलोपैथिक की इतनी ज़्यादा बड़ाई किया गया, तो वहाँ पर फिर लोग एलोपैथी के पास ज़्यादा जाते हैं। फिर दूसरी बात है कि क्विक रिस्पॉन्स देता है अपना, लेकिन साथ साथ में बहुत सारे व्याधि भी उत्पन्न करता है, इस चीज़ को आप जानते हो। तो कुल मिलाकर के आयुर्वेद ही महान है, लेकिन बस इसको सोचने और समझने की जो बारीकी है, जो तरीका है, उस तरीका को आपने डेवलप करना है, अपने अंदर उसको बढ़ाना है। तो दोस्तों आज दीजिए मुझे विदा, अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो 8699175212 ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप तुरंत मेरे से फ़ोन करें, व्हाट्सएप में आप इसी में मैसेज करें और अपना जो जिज्ञासा आप मेरे साथ रख सकते हैं। जय श्री राम।